टेस्टी बना है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है गाजर का। बहुत रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ईमान किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने चूल्हे पे पतीला रख लेना है पानी बॉयल करने के लिए। फ्लेम हमने ऑन कर दी, ठीक है। फिर आपने गाजर ले लेनी है। गाजर अगर पतली हो तो इतनी वो ठीक है, अगर पतली ना हो तो उनके कट लगा लेना है, को हाफ कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए इनको हाफ कर लेंगे, ये मोटी है तो यहाँ से इसको हाफ कर लेंगे। ये देखिए इसको मैं इस तरह के टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें ये हमारी गाजर बॉयल हो चुकी हैं। ये देखें ये देखें गल चुकी हैं। तो हम इनको निकाल लेंगे। 1 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 मग ले लिया है, ये देखें मग है, इसमें हम ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। पानी हम वही ऐड करेंगे जो हमने गाजर का लिया है अभी। चार इलायची हम डाल देंगे इनको हाफ ऑफ करके। चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है हमने। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखी थी, अब इसको ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ये नींबू का रस है, दो लीमू मैंने इनको निचोड़ लिया है। ये रस इसके अंदर डाल देंगे। ये रस इसलिए डालते हैं ताकि ये जो चीनी है, एक बार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इससे जाके अच्छा आता है। ये देखें गाजर का मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। दुआओं के साथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।